ये है आपका अपना चैनल क्रिएट जस्ट फॉर यू। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए ब्लूटूथ होपस्टार H11 स्पीकर्स को टेयर डाउन करने वाले हैं। देखेंगे कि एक ब्लूटूथ स्पीकर में किस तरह के कंपोनेंट का यूज़ किया जाता है तथा ये कैसे काम करता है। मेरे पास यहाँ पे एक ट्वीज़र है और एक स्क्रू ड्राइवर है जिसकी मदद से आज हम इसे ओपन करेंगे। तो आइए ट्वीज़र की सहायता से खोलते हैं तथा देखते हैं कि इसमें किस तरह के कंपोनेंट का यूज़ किया गया है। सभी स्क्रूज को हमने अनस्क्रू कर लिया है। आइए अब इस फ्रंट पैनल को बाहर निकालते हैं। ये कोई स्पीकर नहीं है, ये सिर्फ़ एक रबर शीट इसमें फ्रंट पैनल में अटैच करी हुई है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये अब बैटरीज लगी हुई हैं, चार्जेबल सेल हैं ये, जो कि इसी से ही पावर्स मिलती है इस मेन मदरबोर्ड को। ये है ब्लूटूथ स्पीकर और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी क्वालिटी किस तरह से है। और ये है इसका सेकेंड स्पीकर जिसके थ्रू आपको साउंड सुनाई देती है। ये स्पीकर दोनों सेम क्वालिटी के हैं। और ये है मदरबोर्ड जिसमें सारे कंपोनेंट कनेक्टेड है, यानी कि आपका बैटरी कनेक्शन, आपके स्पीकर का कनेक्शन। आइए इसे बाहर निकाल लेते हैं। मदरबोर्ड को हमने बाहर निकाल लिया है। आइए इसमें से सभी पावर कनेक्शंस को डिस्कनेक्ट कर देते हैं। ये स्पीकर्स की वायर है, इसे मैं डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। आप देखेंगे कि इसे हम हल्का सा पुल करेंगे तो ये डिस्कनेक्ट हो जाएगी। सेकंड वायर को भी हम डिस्कनेक्ट कर देते हैं। आप देख सकते हैं दोनों स्पीकर्स की वायर मैंने डिस्कनेक्ट कर दी हैं। और जो पावर की वायर है वो सोल्डर हुई है, तो उसे सोल्डरिंग के थ्रू ही डिसोल्डर किया जा सकता है, लेकिन अभी मैं इसे नहीं हटाने वाला हूं। आप देख सकते हैं कि किस तरह का इसमें ब्लूटूथ ड्राइवर का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ ऊपर की तरफ बटन्स दिए गए हैं जिसके थ्रू वॉल्यूम पॉज कर सकते हैं, वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हैं। और ऊपर की साइड यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ ICs इसमें लगी हुई हैं। साथ में USB का पोर्ट दिया है, 3.mm का जैक है, पावर ऑन ऑफ का बटन है और चार्जिंग का पोर्ट है। आप ऊपर की साइड देख सकते हैं यहाँ पे एक माइक भी दिया गया है जिसके थ्रू आप अपने स्पीकर ब्लूटूथ स्पीकर का यूज़ करके बात भी कर सकते हैं। तो बस यही था आज की वीडियो में। मैंने आपको बता दिया कि एक ब्लूटूथ स्पीकर के अंदर किस तरह के कंपोनेंट का यूज़ किया जाता है तथा ये कैसे काम करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और अपने चैनल क्रिएट जस्ट फॉर यू को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।